टू आवर चैनल। यहाँ पर हम 2 मार्च 2023 का एसएससी 2022 के मेंस का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन में बहुत सिंपल बात कही है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है। एक त्रिभुज बना दो सिंपल सा, जिसमें आप पी क्यू आर को मेंशन कर दो। क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। यहाँ पर एक इन सेंटर दिया हुआ है आपको ओ। आपको बोला है कि पी क्यू क्यू आर के इक्वल है, ये वाली इस भुजा के इक्वल है। तो डेफिनेटली जब ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं, तो इनके साथ वाले जो एंगल होंगे वो भी कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये कैसे थीटा है और ये वाला भी कैसा है, ये भी थीटा है। अब इसके बाद इसने बोला है कि एक ओ बनाने के बाद ओ पी आर, यानी कि ये वाला एक अलग से एक लाइन हम खींच रहे हैं जो कि इन सेंटर से कनेक्ट हो रहा है। तो ये जब हम बनाते हैं तो एक अलग त्रिभुज बनता है ओ को आर से कनेक्ट करने और पी से कनेक्ट करने के बाद, जो क्या कर रहा है, पी के एंगल और ओ आर के एंगल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ओ पी आर, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। तो सिंपल सी बात है, जब ये पूरा एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो श्योर बात है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और बराबर के लिए ऐसे काट के रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे काट दिया तो मतलब कि दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अब यहाँ पर आपको तीन कथन दिए हैं, तो तीनों कथन में से हमको ये देखना है कि तीनों कथन में से कितने कथन सही होते हैं इस पर। पहला बोल रहा है कि पी ओ आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी ओ आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल है, क्योंकि ये और ये एंगल दोनों बराबर हैं। तो ये भुजा भी, आमने सामने वाली भुजा जो है वो बराबर होंगी। जब ये दोनों बराबर होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये पहला कथन एकदम सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि ओ बिंदु पी क्यू आर का केंद्रक है। पी क्यू आर का केंद्रक होने के लिए तीनों भुजाओं का बराबर होना जरूरी है, तभी ओ क्या होगा, एक केंद्रक होगा। बट हम ये जानते हैं अभी कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जब नहीं है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको डैश कर दो। तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। अब देखो, एक चीज़ और क्लियर हो जाती है, जब आप पहले बिंदु को सही करते हो ना, तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड ऑप्शन है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें थर्ड पॉइंट कह रहा है कि पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, यानी कि ये जो आपको बिंदु दिख रहा है, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, नया त्रिभुज, इसके बारे में, और त्रिभुज आर क्यू ओ, यानी कि त्रिभुज एक और त्रिभुज दो, ये दो त्रिभुजों के बारे में कहा है कि ये दोनों सर्वांगसम है। अब देखो, सर्वांगसम की कंडीशन ये है कि कम से कम एक साइड और एक एंगल एटलीस्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इक्वल होगा ना तो हम सर्वांगसम को बोल सकते हैं, यानी सेम उस त्रिभुज पे उस दूसरे त्रिभुज को ओवरलैप किया जाए तो इजीली से ओवरलैप हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। इसके साथ ये जो भुजा है और ये जो भुजा है, स्टार्टिंग में बोल दी गई थी ये दोनों बराबर हैं। तो सिंपल सी बात है, त्रिभुज वन एंड त्रिभुज टू दोनों कैसे हैं, सर्वांगसम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो, जो भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं ऑप्शन वाइज, जिनमें आपको ऑप्शन में से चूज करने हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर दो है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी को पहले से ही बोल दिया गया था कि ये आएगी, बट बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ कर गए थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला गया है कि कांच के पात्र में 6 सफ़ेद 8 काली 4 लाल, इस तरह से आपको गेंद के नंबर्स दे रखे हैं। देखो, वाइट गेंद कितनी है, ये वाइट गेंद हैं, ये ब्लैक हैं, और ये कितनी है, ये है अपनी रेड, और एक आपको ब्लू दे रखा है। ब्लैक दे रखे हैं आपको 6, ब्लैक सॉरी व्हाइट दे रखिए 6, ब्लैक दे रखिए आपको 8, रेड दे रखिए आपको 4, एंड ब्लू आपको दे रखिए 3। तो यहाँ पर आपको बोला है कि कोई भी एक हमें रेंडमली सेलेक्ट करना है। रेंडम का मतलब हम आँख बंद करके उठा सकते हैं, कोई भी चीटिंग नहीं होगी। इसके लिए काले या फिर ब्लू रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी, या तो देखो वो ब्लैक हो या फिर क्या हो, वो ब्लू हो, दोनों में से एक हो। टोटल बॉल कितनी है, 6 और 8 14, 14 एंड फिर 18 एंड 21। टोटल बॉल है 21 और हमें सेलेक्ट कितनी करनी है, एक। तो 21 में से सी माने सेलेक्ट, आप ऐसे कह सकते हो, और हमें क्या करना है, वन सेलेक्ट करनी है। तो ये तो हो गया टोटल, टोटल कितने हैं, टोटल में से अब हम देख रहे हैं हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सेलेक्टेड कौन सी हैं जो सेलेक्ट कर रहे हैं,
तो सेलेक्ट करने में ब्लैक हो सकती है एक, तो 8C1, या फिर हो सकती है ब्लू 3C1, बट इसने कहा है कोई भी एक ही सेलेक्ट करनी है, दोनों नहीं करनी है। जब एक ही करनी है ना तो सिस्टम क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी कि या तो ये या फिर ये। इन केस वो ये कहता कि ब्लू और काले की होने की संभावना क्या है, दो गैन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर अलग तरीके से होता, उसमें मल्टीप्लाई यूज करते हैं। लेकिन उसने बोला है कि केवल एक ही सेलेक्ट करना है हमें कंचा, जो या तो ब्लैक हो सकता है या फिर ब्लू हो सकता है। तो ब्लैक के लिए 8C1, 8 में से एक सेलेक्ट कर रहे हैं, और ब्लू के लिए 3C1, यानी कि 3 में से एक सेलेक्ट कर रहे हैं, और दोनों में से कोई एक कर रहे हैं, इसलिए प्लस लगा दिया हमने। और इसको क्या करना है, जस्ट आपको डिवाइड करना है। सिंपल से सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए एन सी आर को देख लो आप, फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस की आर और फैक्टोरियल आर। जब आपका आर इक्वल टू 1 है तो उस केस में तो बहुत सिंपल हो जाता है, फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस के 1 और फैक्टोरियल 1। अब ये फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसको तो हटा ही दो सिंपल सा। अब यहाँ पर देखो इसको और ब्रेक करोगे तो एन इंटू एन माइनस के 1 का फैक्टोरियल, या फिर ऐसे लिख सकते हो उसको, और नीचे क्या दे रखा है, फैक्टोरियल एन माइनस के 1 दे रखा है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो सिंपल सा एन सी 1, तो यहाँ पर एन सी 1 की वैल्यू क्या आ गई, एन आ गई। यहाँ पुट कर दो, 8 एंड 3 कितने हो गए, 11, नीचे क्या आ गया, 21, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 11/21। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम में भी मिलेंगे, जब आप नेक्स्ट ईयर में एग्जाम दोगे तब भी मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इनको छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अब इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है आपको जो कि पाइपिंग सिस्टम पर बेस्ड था, लेकिन थोड़ा सा उसमें एरिया का भी मिक्सचर कर दिया है, और जो क्वेश्चन सिंपल है, जो आप बरसों से करते हुए आ रहे हो, वैसी क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं, उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है, यानी कि जो वाटर फ्लो हो रहा है वो इनके व्यास के वर्ग के अनुपात है, जो हम कह सकते हैं 4, 9 और 16 के अनुपात के बराबर है। सिंपल सी बात, उसने बोला व्यास के वर्ग के अनुपात वाटर फ्लो हो रहा है। सबसे बड़ा नल अकेले एक टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा नल कौन सा होगा, ए बी सी की अगर बात करें तो बी सी में सबसे बड़ा नल होगा सी, इसका डायमीटर भी सबसे ज़्यादा है, तो श्योरली सबसे पहले भर देगा। तो ये बोल रहा खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। तो अगर हम टोटल की बात करें, टोटल वर्क्स की, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 16 × 81। इसको अलग तरीके से भी देख लो करने के लिए कि यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका क्या है, ये कैपेसिटी है एक तरह से, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर इस वाले नल को, 81 मिनट लग रहे हैं। इसने बोला यदि सभी नलों को एक साथ खोल दें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई है करते टाइम, कि हमेशा टाइम एंड कैपेसिटी का जो मल्टीपल होता है वो ऑलवेज सेम होता है फॉर टोटल वर्क। तो यहाँ पर अगर आप टोटल वर्क देखोगे तो टोटल वर्क कितना हुआ है, टोटल वर्क इसका हुआ है 16 × 81, इतनी गहरी टंकी है। अब आपसे बोल क्या रहा है, वो आपसे बोल रहा है कि अगर तीनों नल जुड़ जाएं तो तीनों नल जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा टोटल, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 29, 16 कैपेसिटी है, यहाँ पर टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 29, और हमें नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सा 16 × 81 अपॉन में 29 आपको करना है, और जो भी आंसर होगा वही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। सिंपल सा 29 वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें क्या है, डिवाइड करके देखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर में आपको बस एंगल पता होने चाहिए थे, कि यहाँ पर आपको बोला है टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री और टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो ए प्लस बी जो है वो क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, जिसको हम पाई बाई थ्री बोल सकते हैं, और यहाँ पर ए माइनस बी जो है वो क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, जिसको हम पाई बाई सिक्स भी बोल सकते हैं। तो आपके पास इसको चेक करने की ज़्यादा नीड नहीं होती, क्योंकि ये फुलफिल कर लेता है कंडीशन को। अब इसमें हमें क्या देखना है, ए प्लस बी देखो 60 डिग्री है, तो 0 से 60 90 के बीच में ही आ रहा है, आपको ए और बी चाहिए, तो ए और बी के मान के लिए चाहिए, तो बस इसको सॉल्व कर लो, ए कितना आ गया 45 और यहाँ पर बी कितना आ गया 15 डिग्री। इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की नीड है नहीं, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वो भी चतुर्भुज पर है, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक वृत्त है, और
पहले वृत्त बना लेते हैं। इसने बोला एक वृत्त है और चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। ये लो भाई, हमने क्या किया, एक वृत्त बना दिया, उसके ऊपर हमने एक चतुर्भुज बना दिया। पहले चतुर्भुज बना देते हैं, वृत्त बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अदरवाइज। कैसा भी चतुर्भुज बना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी है वो बस फुलफिल होनी चाहिए, बाकी मैटर नहीं करता। आपका ये व्रत लग नहीं रहा है बट ये व्रत है। तो इसमें ए बी सी और डी, इसने बोला है कि ए बी जो है वो 18 है और बी सी जो है वो 21 है, ए डी जो आपको दे रखा है वो देखिए 15। तो आपसे बोला है सी डी क्या होगी। देखो इसका अगर आपको लॉजिक पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीख लो कैसे बनेगा। जब ये क्या है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट, यानी कि हम किसी भी पॉइंट से जब स्पर्श रेखा टेंजेंट डालते हैं किसी सर्किल पर, तो वो टेंजेंट कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये और ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये अगर एक्स है तो ये भी कैसा होगा, एक्स होगा। सेम यहाँ पर एक और पॉइंट है डी, जिससे हमने टेंजेंट डाला, तो ये जो टेंजेंट है वाई और ये जो टेंजेंट है वाई, ये कैसे होंगे, ये बराबर होंगे। सेम यहाँ पर एक पॉइंट सी मान लो कि, तो ये जेड और ये जेड कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसमें मान लो ये पी है तो ये पी कैसा होगा, बराबर होगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, पी जेड वाई एक्स, पी जेड वाई एक्स, यानी आमने सामने का जो टोटल है वो कैसा हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो मैं अगर ये कहूँ कि 15 प्लस के 21 इक्वल टू 18 प्लस के क्या, जो आपसे पूछा है क्वेश्चन में वो, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, कितना हो जाएगा, 18 इसका राइट आंसर होगा। इसका कंसेप्ट समझ गया, बस इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था और टेंजेंट का एक क्वेश्चन था, कोई ऐसा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि किस संख्या से विभाज्य है। तो इसमें 5 7 6 9 1 1 6, अब देखो 5 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन यही है। 12 से डिवाइड के लिए हम बाद में देखेंगे, क्योंकि उससे छोटी संख्या यहाँ पर मौजूद है। अगर 4 या 8 से नहीं जा रहा तब तो हम देखेंगे कि 12 से, क्योंकि 12 से डिवाइड से पहले तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 12 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो उसका मतलब 4 से हो रही है। तो ये ऑप्शन तो कैसा है, इलॉजिकल है, दूसरा ऑप्शन तो इलॉजिकल है। अब 8 और 4 बच गए, तो जो संख्या 8 से डिवाइड हो सकती है वो 4 से भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी इलॉजिकल है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन को कैसे चेक कर सकते हैं, जब 4 से डिवाइड का तरीका देखना है या फिर 2 से देखना है, तो 2 के लिए लास्ट वाली संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए और 4 के लिए लास्ट की 2 संख्याएँ 4 से डिवाइड होनी चाहिए और 8 के लिए लास्ट की 3 संख्याएँ 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो सिंपल सा 16 4 से डिवाइड हो रहा है, 16 4 से डिवाइड हो सकता है 4 बार, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो सकती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। और लॉजिकली आपने देख लिया कि 12 और 8 हट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 7, बहुत सारे क्वेश्चनों में ऑप्शन जो है वो ऐसे ही आपको दे रखे हैं उल्टे सीधे तरीके से। यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चन दे रखा है कि दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम इस प्रकार हैं कि विद्युत और तीनों संरेख हैं, ठीक है, सम्मुख इस प्रकार है। दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार है। देखो ये जो है एक प्रकाश स्तंभ है और एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज आपके यहाँ पर है, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब 60 किसे मानोगे, 30 किसे मानोगे, तो देखो ये ऊंचा है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा, और ये कैसा है, ये थोड़ा नीचे है तो डेफिनेटली ये कैसा होगा, ये होगा 30 डिग्री। आपको इस तरह से इसमें जो एंगल है वो मेंशन करने हैं, उल्टी सीधे एंगल मेंशन मत करना कि यहाँ पर मेंशन नहीं था कि किसको हम क्या करें। ये एक थोड़ा सा लॉजिक है जो आपको लगाना पड़ेगा। यदि जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि ये दूरी आपको दे रखी है कितना, 230√3, ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, और मैं मान लेता हूँ इसको PQRS। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ये आपसे पूछिए, इसको आप क्या मान लो, इसको आप एक्स मान लो। तो आपने पढ़ा कि भाई टेन टेन थीटा यानी कि 60 डिग्री इक्वल टू हाइट जो कि एज दे रखी है अपॉन में क्या, बेस जो कि क्या है आपके पास एक्स है 60 के करस्पॉन्ड। सेम चीज जब आप टेन 30 के लिए निकालोगे तो हाइट कितनी होगी एच, और बेस क्या हो गया यहाँ पर, एक्स प्लस के 230√3। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एच, तो यहाँ से क्या करोगे आप, एक्स की वैल्यू को निकाल लो,
एक्स क्या आ गया एच अपॉन में रूट थी। बस ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्या 172.5, जो एक अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा। यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू को एच अपन रूट थ्री पुट कर लो और इसको क्या कर लो, इसको आप 1/√3 पुट कर लोगे, बस मल्टीप्लाई कर लो और देन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 172.5 आ जाएगी यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करने के बाद। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक्स प्लस के 1/x इक्वल टू 4 है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बच्चों ने पेन भी नहीं चलाया हुआ इसमें। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट आंसर कर देते हैं अगर इसको हम एन मानते हैं तो, कि एन स्क्वायर माइनस के 2। और यहीं आपसे पूछा जाता था कि एक्स माइनस के 1/x आपको दिया होता एन, एम ले लो, और आपसे ये चीज़ पूछी होती तो आप बोलते एम स्क्वायर प्लस के 2। सिंपल सा लॉजिक था। तो कितना 4×16 माइनस के 2 कितना आ जाएगा आंसर 14। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था जो कि और भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी अधिक हैं, तो आप ये मान लो कि एक संख्या ए, एक संख्या बी और एक संख्या ती। तो सी संख्या मान लो आप 100 है, तो पहली संख्या अगर 10% अधिक है तो ये कितनी होगी 110 हो गई, और दूसरी संख्या अगर 25% मोर देन है थर्ड नंबर के तो ये कितनी होगी 125 हो गई। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि हमें पहली दो संख्याओं में अनुपात पता करना है। तो अनुपात पता करोगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, और नेक्स्ट इसमें 5 × 2 = 10 = 25, तो 22 × 25 इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। कोई चांस ही नहीं है इस क्वेश्चन को गलत करने का। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 दे रखा है और उनके व्यय के अनुपात, देखो दो चीज़ होती हैं, इनकम होती है और एक्सपेंडिचर होती है, और इनसे मिलकर एक बनता है सेविंग। तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग के। कैसे? माना कि आपकी इनकम है 10,000 रुपीज़, आपने खर्च कर दिए कितने 8,000, तो आपके पास सेविंग कितनी हो गई, यानी कि जो बच गए वो कितने बच गए 2,000 रुपये। ये एक प्रैक्टिकल बात है जो जनरल वे में आप हर महीने या फिर हर दिन आप इसको नोट करते हो, चाहे आपकी पॉकेट मनी 10 रुपये हो, 5 रुपये खर्च कर दिए तो 5 रुपये आपकी सेविंग हो गई, तो एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग इक्वल टू इनकम हो गया। सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पर इसने बोला है कि आय का अनुपात जो इनकम रेशियो है दो लोगों का वो कितना दे रखा है आपको 7/4 दे रखा है। इसके साथ आपको दे रखा है व्यय का अनुपात। एक्सपेंडिचर रेशियो क्या दे रखा है आपको दो लोगों का, वो दे रखा है आपको 3:1, और बोला है प्रत्येक की सेविंग 4,800 रुपीज़ पर मंथ है, तो मासिक आय का योग क्या होगा। देखो मासिक आय का योग पता करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को बनाना जरूरी है। इनकम का रेशियो कितना है 7/4, और इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग। तो यहाँ पर आप ये मान लो कि अगर इसकी एक्सपेंडिचर 3x है तो नीचे वाले का क्या होगा x हो गया। सिंपल सा 3/1 का रेशियो अभी भी आ रहा है, तो अगर ये 3x एक्सपेंडिचर है तो इसमें 4,800 अगर हम जोड़ दें सेविंग के तो क्या होगी इनकम आ गई ए की। सेम चीज़ अगर ये बी में करें तो बी की जो एक्सपेंडिचर है एक्स, उसमें 4,800 को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा बी का यहाँ पर टोटल इनकम आ जाएगी। तो सेम यहाँ पर हम एक्स निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे तो उसमें आपसे पूछा कि उनकी मासिक आय का योग जो कि कितना है 11 है, तो सिंपल 11 को आपको क्या करना है गुणा करना है, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालोगे देन 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। या फिर क्या कर सकते हो आप, दूसरा एक तरीका है, 11 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे यहाँ पर, सॉरी 11 तो है लेकिन 11 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो एक्स आ जाएगा, आपको यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर पता लग जाएगा कितना 4x है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो देन 9,600 आप ऐड कर दो। ठीक है, टोटल सेविंग कितनी थी 9,600 है तो वो ऐड कर दो और प्लस के 4 × x कर दो, यहाँ से इसको कर लेते हैं चाहो तो, ये कितना हो गया 7x प्लस के 7 × 4,800 इक्वल टू 4×12x प्लस के 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 × 4,800। तो ये कितना हो गया यहाँ से 5x आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 7 में से 4 गए तो 3, 3 × 4,800 ये आ गई आपकी 5x की वैल्यू। आपको क्या चाहिए, आपको x की वैल्यू चाहिए डिवाइड बाई 5 कर दो। अब आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू चाहिए, 4x की वैल्यू चाहिए, यानी टोटल एक्सपेंडिचर निकालना ना, खर्चा निकालोगे
देन सेविंग को जोड़ दोगे तो मासिक आय आ जाएगी। तो 4 का गुणा कर दो, अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 से ये कितनी टाइम्स गया, ये गया 20 टाइम्स। ओके, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स, तो कितना हो गया ये, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 6 बार चौक 48, 48 और 9 कितने हो गए, 57। ओके, इनटू आपको 20 भी करना है अभी, तो 20 करने के बाद कितना आ जाएगा ये, 0, 2, 1, 5, 1 एंड 10, 11। आपको ये आ गया 11,520 रुपीज़, ये आ गया आपका टोटल कितना एक्सपेंडिचर। इसमें जब आप 9600 यानी कि 4800 का ट्वाइस जब आप ऐड कर दोगे, दोनों की इक्वल बचत है ना, तो जब ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा टोटल इनकम दोनों लोगों की, कितनी आ जाएगी यहाँ पर 20। अब देखो 20 केवल दो ऑप्शन में है, तो 20 और इसके साथ 5 एंड 6 1 एंड ये कितना हो गया 1 2 2 एंड 9 कितना 11 2, तो 21120 इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। इसने बोला है कि गोले की त्रिज्या यानी रेडियस को 48% कम कर दें तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटर सरफेस एरिया में कितना परसेंट कमी आएगी। देखो एक जो स्पेयर होता है ना, उसका लेटर सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक है। और यहाँ पर आपको बस ये पता होना ज़रूरी है कि एक गोले का यानी कि एक स्पेयर का लेटर सरफेस एरिया कितना होगा। लेटर सरफेस एरिया उसका टोटल जो एरिया है वही होता है, सेम कोई अंतर नहीं होता, लेटर सरफेस एरिया एंड टोटल जो सरफेस एरिया है उसमें। अब यहाँ पर अर्ध होता है यानी कि हेमिस्फीयर होता तो जरूर चेंज होता, बट यहाँ पर कंप्लीट गोले की बात की है, कंप्लीट स्पेयर की बात की है, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया LSA और टोटल सरफेस एरिया TSA दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे 4πr². अब इसको सॉल्व कर लो, मेनली आर स्क्वायर से है, तो यहाँ पर आपको ये देखोगे कि 48% की कमी कर दिया, तो 48% जब कमी करोगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये 48% कम करने के बाद 52 बच गया। नेक्स्ट अगेन क्या करना है, नेक्स्ट अगेन इसमें से 48% फिर से कम कर रहा है, तो फिर से कम करोगे तो क्या होगा, 48 कम करने के बाद 52। ऐसे कर लो चाहो तो, या फिर क्या करो, डायरेक्ट तरीका है इसका, आप 48% निकाल लो और 48% कम कर दोगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सिंपल सोबर आपका आंसर आ जाएगा 72.96। ओके, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, मैं अगेन बता देता हूँ इसको, 52 है, 52 में अगेन हम क्या करेंगे, 48% को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 48% निकाल लेना और 48% निकालने के बाद जो आएगी वैल्यू उसको घटा देना यहाँ से, या फिर इसका क्या करोगे, सिंपल सा 52% निकाल लोगे, 52% यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 100 से घटकर इतनी रह गई है, वो ये बोलेगा, तो कितने परसेंट कम हो जाएगा वो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। तो इसका यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 27.04, ये वैल्यू आएगी, या 52% निकालोगे 52 का तो वो आएगी 27.04, तो इसका मतलब कितने परसेंट घट गया, वो घट गया 72.96% घट गया। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक आदमी 5,000 रुपये की मशीन खरीदता है और एक वर्ष बाद उसे 6,000 रुपये में बेच देता है। एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, 5,000 रुपये में इसने खरीदी और उसने क्या किया, इसको सोल्ड आउट कर दिया 6,000 रुपीज़ में नेक्स्ट पर्सन को। 2 वर्ष बाद वह फिर से उसी मशीन को 8,000 रुपये में खरीदता है, उसने क्या किया, इस मशीन को खरीदा कितने रुपये में, 8,000 रुपीज़ में, और बोला कि 10,000 रुपये में अगेन उसने बेच दिया उसको। देख रहे हो दोनों लेन देन में उसे कुल लाभ परसेंट क्या हुआ। यहाँ पर देखो उसने टोटल, उसको देखा जाए तो खरीद कितने की पड़ी, 13,000 की खरीद पड़ी है, और देखा जाए तो सेलिंग कितने की पड़ी है, टोटल 16,000 की सेलिंग पड़ी है, तो उसको ये जो मशीन है उस पर 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और किससे, 13,000 से, इंटू 100% निकालने के लिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो बेसिकली आपको 300/13 करना है, तो कितना हो गया, 13 दूनी 26, तो कितने बच गए, 4, तो 13 39.08 समथिंग कुछ आ रहा है, तो 23.08% आपका राइट आंसर होगा। यहाँ कुछ ज़्यादा लॉजिक वॉजिक नहीं लगाना है कि यहाँ से ही आ गई, यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गए, सिंपल सा टोटल कॉस्ट कितनी आएगी आपकी,
जो आपका कॉस्ट है, लागत है, वो कितनी आई? 13,000। टोटल सेलिंग आपकी प्राइस कितनी रही? 16,000। ओवरऑल प्रॉफिट कर रहा 3,000। और किससे देखेंगे हम? डेफिनेटली लागत से देखेंगे, कॉस्ट प्राइस से देखेंगे। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है कि एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। तो आपको यहाँ पर शांत जल में, यानी कि जब वाई 0 है, तो उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू आपको कितना दे रखी है? 10 KMPH दे रखी है, किलोमीटर पर आवर 10। यदि नदी 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, यानी कि जब स्पीड नदी की 4.5 KMPH है, तो उस कंडीशन में ये बोल रहा है कि स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का हमें टाइम लग रहा है। सिंपल से ये बात बोल रहा है। वह स्थान कितनी दूरी पर स्थित है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो वो बेसिकली बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है और हमें वापस आना है, ठीक है? इस पॉइंट ए से बी तक जाना है और बी से वापस आना है, और इस दरमियान वो कह रहा है कि टोटल 2 घंटे लग रहे हैं, और उस 2 घंटे में जो नाव की स्पीड है वो ये है, और जो नदी की बहाव की स्पीड है वो ये है। तो आप ये पूछ रहा है कि टोटल जो डिस्टेंस है, जो कितनी दूरी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, वो एक डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा, दूरी इक्वल टू क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड होता है। सेम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कुछ भी कह लो सेम बात है दोनों में। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम टाइम हमें पता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? तो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, स्पीड कितनी हो जाएगी जब नदी के साथ जो है ट्रेवल होगा, तब दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी। तो 4.5 एंड 10 कितना हो जाएगा? 14.5 प्लस के, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो ये स्पीड क्या हो जाएगी? एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो कितना बचेगा? 5.5। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम लग रहा है 2 घंटे, जो कि इसने बोला हुआ है। और पूरी यूनिट यहाँ पर हार में दे रखी है, किलोमीटर और हार में। तो या तो आंसर जो डी निकलेगा वो किलोमीटर में ही निकलेगा। तो सिंपल से एक तरीका ये है कि यहाँ पर आप डी वैल्यू पुट करके एक अप्रॉक्सीमेट आंसर के थ्रू अपना क्वेश्चन कर सकते हो, कि 8 यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो और 8 से देख लो। अदरवाइज इसको सीधा सीधा एलसीएम ले लो, 14.5 × 5.5 = यहाँ पर 2 तो है ही है, ये कितना हो गया? 14, 5, 19 और 1 20 हो गया, तो 20D हो गया। ओके, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 से ये 20 को काट दो, यहाँ 10 बच गया। तो बेसिकली यहाँ पर 10D की वैल्यू कितनी आ गई? 10D की वैल्यू आ गई 14.5 × 5.5। अब बस आपको ये क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाई 10 करना है। तो 14 पन्ने 70 और 14 पन्ने 70 लगभग 7.7, लगभग ये 8 वैल्यू आएगी। ओके, और 8.80 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। जब आप डिवाइड बाई 10 करोगे तो अप्रॉक्सीमेट डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो लगभग 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आप टिक कर सकते हो इजिली थर्ड ऑप्शन को। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें बोला है कि एम के किस मान के लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन के असंख्य हल हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, हमें सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है। देखो, एक इक्वेशन है 2x + k 3y = 5, सही? इसके साथ एक इक्वेशन और है 4x + k 6y = 10। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, मैं आपसे बोलूँ इक्वेशन एक और इक्वेशन दो, आपको जनरली सिखाया जाता है कि दो इक्वेशन दो अननोन, तो क्वेश्चन इजीली हल हो जाएंगे, उसके दो हल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। अगर दो इक्वेशन दो अननोन दे रखे हैं, तो उसमें सबसे पहले ये चेक करो कि इक्वेशन वन और इक्वेशन दो दोनों एक जैसी तो नहीं है। अब एक जैसी का मतलब है यहाँ 2x है, अगर इसमें मैं गुणा 2 का कर देता हूँ तो जस्ट सिमिलर इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो जब ऐसा होगा, तो ऐसा होने पर हमें पता लगेगा कि दोनों इक्वेशन बेसिकली में एक ही इक्वेशन है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इक्वेशन नंबर 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब इस तरह से लिखेंगे, तो एक्स की कितनी भी वैल्यू रख लो, 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, कितनी भी रख लो, वाई के उतने मान आते चले जाएंगे। जब ऐसा होगा तो इस केस में हम बोलेंगे कि कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें बस ये प्रैक्टिकल रूप से समझना है कि बेसिकली हो क्या रहा है। अब यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दे रखी है, इसको आप एक बार खुद करके देखना। मैंने एक बार तरीका बताया आपको, 17x + KMy + K102 = 0 आपको दे रखा है, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 23x + K299
वाई प्लस के 138 इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे से, यहाँ पर आप गुणा करके देख लो, आप एक चीज़ करके देख लो, सिंपल सा एम की जगह पर इन सब में पूरी इक्वेशन में 17 से डिवाइड करो। इस इक्वेशन में आप डिवाइड कर दो 17 से, और इस इक्वेशन में डिवाइड कर दो आप किससे, 23 से। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जीरो दोनों तरफ है, तो हम किसी से भी डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप इसमें 23 से डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस के कितनी बार जाएगा, एक बार, और नेक्स्ट कितना बच गया यहाँ पर, 23 में 6 बच गया, तो 3 बार, 13 वाई प्लस के। अब देखो 3 6 6 दूनी 12, 6 बार चला जाएगा इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बच गई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड में जब 17 से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस के एम अपॉन में 17 वाई प्लस के, ये कितना होगा, 17 17 51 6 इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ एक्स, यहाँ सिक्स, यहाँ एक्स, यहाँ सिक्स, अब बेसिकली बच के आ गए केवल ये बच गए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो डेफिनेटली इक्वेशन के कैसे होंगे, इनफाइनाइट हल होंगे। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं, एम अपॉन 17 वाई इक्वल टू 13 वाई के इक्वल हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मौजूद होंगे। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 गुणा 13 बराबर के कितना, 221। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 15। ये आपको दे रखा है कि ए बी सी तीन वो लोग हैं, और आपको यहाँ पर टाइम का जो है रेशियो दे रखा है, और ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो आपको दे रखा है, ए बी सी के निवेश का रेशियो बताना है। जनरली हमें क्वेश्चन में निवेश का रेशियो दिया होता है, इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया होता है, वहाँ से हम प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है, प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, आपको इन्वेस्टमेंट रेशियो बताना है। और इन्वेस्टमेंट रेशियो के साथ हमें अक्सर जो है टाइम रेशियो दिया होता है कि उन्होंने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो बस उससे हम क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आपको देखो टाइम रेशियो कितना दिया, आप ये मान लो कि इन्वेस्टमेंट इनका ए है, इसका इन्वेस्टमेंट बी है, इसका इन्वेस्टमेंट सी है, सिंपल सी बात है। टाइम यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है पहले का टाइम, तो ये 3 टाइम तक है, तो मतलब इसको 3A बोल सकता हूँ। इसका टाइम टाइम कितना है, 2 है, तो इसको मैं 2B बोल देता हूँ, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि उसका इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है अकॉर्डिंग टू टाइम। और यहाँ पर कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम, इन्वेस्टमेंट 7C हो जाएगा। तो बेसिकली आपका टाइम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट वो ये आ गया। और आपको यहाँ पर प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 4:3:14, ठीक है, 14:3:14 आपको दे रखा है। अब आपको ये करना है कि इनके रेशियो का अनुपात आपको बताना है कि इनके रेशियो का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है उसका अनुपात क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, बिना किसी का दिमाग लगाए, कुछ और ज़्यादा लगाए, यहाँ पर जो आपको दे रखे हैं रेशियो उनमें सब में से उठा लो और एक एक करके चेक कर लो। माना कि मैं चेक करता हूँ पहले वाले ऑप्शन को, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूँ। तो देखो 8 को ए से लिया, 8 की जगह ए की जगह पर 8 लिया तो 8 3 24, ओके, एंड बी की जगह पर 9 लिया तो 9 2 18, सी की जगह पर 12 लिया तो 12 7 84, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप इसको कट कर देखो, 6 से 4 बार, 6 से 3 बार और 6 से 14 टाइम, तो क्या ये ऑप्शन आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट रेशियो आपका ये बन रहा है जो यहाँ पर दे रखा है। अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। सेम चीज़ आप सेकंड ऑप्शन में करके देख लो, बहुत बेस्ट मेथड है, जिसमें आपको क्या है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 3 और सी की जगह पर 4, आपको क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट रेशियो की जगह ही रखने, तो 1 गुणा 3 कितना हो गया, 3, इसके साथ बी कितना है, 3 है, 3 दूनी 6 और सी पे 4 रखा है तो 7 चौक 28। अब इसको आप डिवाइड करके देखो, देखो 3 से डिवाइड हो नहीं रहा, 2 से होगा नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट रेशियो बनना चाहिए जो कि ये आना चाहिए था, तो ये तो आपका आया नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, सी जो बाकी ऑप्शन है वो भी नहीं होंगे, न बी होगा न सी होगा न डी होगा, तो ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया, ये आपका टाइम अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट है, टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जब आपने मिल गया तो वही क्या होगा, उसी का रेशियो आपका प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। वही सेम यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वैल्यू पुटिंग के माध्यम से सिंपल सा न्यूमेरिकल टर्म में आंसर खोजने की कोशिश कर रहे हो। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक मोटरसाइकिल को उसके मार्क प्राइस पर 44% की
छूट देकर 87,500 में बेचा जाता है, तो वो मार्क प्राइस लेना चाह रहा है। मार्क प्राइस आप मान लो 100 रुपीज़ है, और 100 रुपीज़ मार्क प्राइस है तो आफ्टर डिस्काउंट 44% का डिस्काउंट जो मार्क प्राइस पे ही लगेगा हमेशा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56% हो जाएगी। किसकी? सेलिंग प्राइस की वैल्यू। तो वो सेलिंग प्राइस कितना है? 87,500 है। तो 87,500 जो है वो बेसिकली 56 की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपसे 100 की वैल्यू पूछी है, तो 100 की वैल्यू जी निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। इजीली कैलकुलेट करना चाहो तो 00,00 देन 6 और 5 30, तो आप ये कैलकुलेट कर लेना डिवाइड बाई 7 से करके या फिर 8 से करके। इजीली जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपका एग्जैक्ट आंसर ये आ जाएगा। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा कोई बड़ा हाथी मेथड नहीं है कि जो इसके लिए आप टाइम वेस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका SCF जो है वो 10 है, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा लॉजिक भी बन रहा है जो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। संभावित युग्म, बच्चे इसमें फंस जाते हैं, और होपफुली इस क्वेश्चन में जैसा मैं सोच पा रहा हूँ आगे की चीज़ें भी वैसी होगी। इसने बोला दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी, ये आपको कितना दे रखा है? 1500 दे रखा है, और उसका SCF आपको दे रखा है 10। देखो एक पॉइंट है कि SCF इंटू LCF, ठीक है, LCM बोल लो जिसको आप, ये आपकी दोनों संख्याओं के मल्टीपल के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर आप LCF निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। ठीक है, मतलब दो संख्याएं ए और बी, उनमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी कॉमन फैक्टर वो कितना होगा, वो हो जाएगा 150 हो जाएगा। अगर उनमें ऐसी संख्या ढूंढें जिसमें ए और बी का भाग चली जाए, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जिसमें ए और बी का भाग चला जाए वो कितना होगा? 150। और उन दोनों में से ऐसी कॉमन संख्या जिसमें ए में भाग दें तो ए में भी भाग चला जाए, बी में भाग दें तो बी में भी चला जाए, तो उसको बोलेंगे हम SCF, जो हाइएस्ट होता है। अब देखो इसने बोला ऐसे युग्मों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर आपको दे रखा है SCF कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 10, और LCF निकाला हमने कितना? 150। यानी कि अगर आप ए संख्या और बी संख्या को मान रहे हो तो दोनों में 10-10 तो होगा ही होगा, क्योंकि SCF है, दोनों में 10-10 तो होगा ही होगा। इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1500 आना चाहिए। अब देखो 10 और 10 से 100 तो ये निकल गया, बच गया 15, तो 15 के लिए एक हो यहाँ पर हो और यहाँ पर 15 हो तब 1500 हो सकता है, या फिर क्या हो यहाँ पर 3 हो और यहाँ पर 5 हो तब 1500 हो सकता है, या फिर यहाँ पर 5 हो और यहाँ पर 3 होगा तब 1500 हो सकता है, या फिर क्या होगा जहाँ पर 15 हो और यहाँ पर एक होगा तब 1500 हो सकता है। तो उस केस में क्या है, अब युग्म बनाने हैं तो 1 और 15, 3 और 5, 5 और 3, 15 और 1, ध्यान से देखोगे तो यहाँ के बाद इसके बाद ग्रुप जो है वो रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहे हैं तो एक ग्रुप तो इसका ये बन गया और एक आपका ये बन गया ग्रुप, तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर 2 आ गया। सिंपल सा ऑप्शन ये था, ना कि ये। इसमें हमें ये ध्यान रखना संभावित युग्मों की संख्या, उसने ये नहीं बोला है कि बड़े से छोटे के संदर्भ में लेना है, यानी पहले बड़ा लिखना है फिर छोटा लिखना है, या फिर पहले छोटा लिखना है फिर बड़ा लिखना है, ऐसे करते तो यहाँ पर आपके अलग अलग ग्रुप बनते हैं, चारों ग्रुपों को हम अलग कंसीडर करते हैं। लेकिन इसने बोला संभावित युग्म, तो संभावित युग्म में ए इधर भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है, तो हम उसे एक ही काउंट करेंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18 कि एक आपको देखा है एक आयताकार पार्क है, ये एक आयताकार पार्क है, इस आयताकार पार्क में आपसे बोला है कि 120 मीटर लंबा ये पार्क है और 104 मीटर ये चौड़ा है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है इसके अंदर, इसके अंदर ही बता रहे हैं भीतर, तो इसके अंदर एक मीटर चौड़ा रास्ता बन रहा है, तो इस रास्ते में उसने ये बोला है कि इसमें जो परत हम लगा रहे हैं, जो भी सफेदी वगैरह कर रहे हैं, उसकी चौड़ाई की कोई वो उसने अलग से नहीं माना है कि इसकी चौड़ाई को आप अलग से मानोगे, ऐसा उसने ये बोला है कि उसको नगण्य मानना है, जो भी हम पुताई कर रहे हैं तो उसका 0.1 या 0.2 सेंटीमीटर आएगा तो उसको नेग्लिजिबल मानना है। इसके बाद इसने बोला है कि अगर हम इस पर कलर करते हैं यहाँ पर पूरा इसके अंदर अंदर, तो कलर करने का जो खर्चा है वो 2.5 रुपीज़ के हिसाब से प्रत्येक मीटर पर आता है, तो रास्ते के अंदर किनारों को पूरी तरह से पोतने के लिए कितना खर्च किया जाएगा। अब देखो 1 मीटर यहाँ से कम हो जाएगा, 1 मीटर यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 118 मीटर। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, 118 मीटर। अब देखो 1 मीटर यहाँ से कम है, 1 मीटर यहाँ से कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 102 मीटर। और ये यहाँ से कितना हो जाएगा? 102 मीटर। सेम चीज़ है,
तो अब टोटल मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 102 एंड 118, तो कितना हो जाएगा 220 एंड 220, 440 मीटर। 440 मीटर का खर्चा है 2.5 रुपीज़ ईच, तो बेसिकली निकाल लो कितना हो जाएगा, 1100 रुपये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई एरिया कोई कुछ नहीं निकालना है इसमें। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे जो हैं वो सड़ गए, तो बेचे जाने के लिए जो अंडे बच गए वो कितने हो गए। 350 का हमें कितना निकालना है, सिंपल सा 88% निकाल दो, कितना आ जाएगा आपका, 308 राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे जिनको आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते थे। और एक समझदारी की बात यह है कि देखो इसमें 350 अंडे दिए हुए हैं और आपके 12% अंडे जो हैं वो सड़ गए, तो डेफिनेट जो बचेंगे अंडे वो 350 से कम ही होंगे, तो ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा। अब बच गया ये ऑप्शन, इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में से चेक करना है, तो एक लॉजिकल बात भी यहाँ पर लगती है, लॉजिकल पॉइंट्स भी यहाँ पर लगते हैं। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 3 साल में 8000 रुपये पर 2 वर्षों, 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 800 है। यदि 2 बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष रेट जो है वो R1 R2 लग रही है, तो उनके बीच का रेशियो क्या होगा, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। देखो अगर पहले बैंक की बात करूँ, मैं फर्स्ट बैंक की बात करूँ, तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकालें तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा फर्स्ट बैंक का वो क्या होगा, P1 R1 और T1/100, ठीक है। तो यहाँ पर 8000 पर 2 बैंकों में बोला है, यानी हर एक के लिए जो आपका प्रिंसिपल है वो 8000 है, तो 8000 इंटू R1 इंटू T1 क्या होगा, यहाँ पर 100। यहाँ पर T1 भी आपको क्या दे रखा है, T1 भी आपको यहाँ पर सिंपल सा 3 दे रखा है, तो ये हो गया एक, तो हो गया ऐसा ही यहाँ के लिए 8000 इंटू R1 इंटू 3, तो इसको सॉल्व कर लो कितना हो गया, 24R1, ये हो गया 240R1, ठीक है। ये हो गया आपका SI1, यहाँ पर R1 के साथ परसेंटेज में। इसके साथ हम SI2 की बात करें, SI2 मतलब सेकंड जो बैंक है उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 8000 इंटू R2 इंटू 3/100, सेम है ये बात, तो इसके लिए भी क्या होगा, यहाँ पर 8 या 24, 240 R2। अब यहाँ पर आप देखो सेम चीज़ क्या हो रही है, 3 वर्ष में है, 3 साल में है, 8000 प्रिंसिपल पर है, आपको रेशियो जो दे रखा है, जो डिफरेंस दे रखा है वो आपको पता करना है, और R1 बड़ा बता रहा है, ये बड़ा बता रहा है, R2 छोटा है, और आपको जो डिफरेंस अमाउंट है वो कितना दे रखा है, आपको 800 दे रखा है। तो SI1 यानी पहली बैंक पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिला, SI2 यानी कि दूसरी बैंक पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 800। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो 240 R1 - R2 से, तो इसको सॉल्व करोगे R1 - R2 कितना आ जाएगा, 800/240, ठीक है। अब देखो चूंकि परसेंटेज लगाना है तो इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर वैसे यहाँ पर परसेंटेज क्या है, ये वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी, तो 0 से 0, 8 से 3 बार, तो बेसिकली 10/3 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3:1/3%। क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें आपको बोला है कि पहली 5 संख्याओं के घनों का औसत हमें बताना है, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो पहले 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 0 से बच्चे स्टार्ट करते हैं, लेकिन 0 जो है वो होल नंबर होता है ना कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नेचुरल नंबर हो गए, इनका क्यूब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ये नेचुरल नंबर, इनका क्यूब क्या हो गया, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना, 64, और 5 का क्यूब कितना हो गया, 125, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सम करना है, तो सम कर लो, या फिर एक तरीका है सिंपल सा, आपको डिवाइड किस में करना था, 5 में करना है, क्योंकि ये संख्याएं कितनी है, 5 हैं, तो इनका टोटल करके 5 से डिवाइड करोगे तब घनों का औसत माना जाएगा। तो इंडिविजुअल जहाँ तक डिवाइड हो पा रहा है वो आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि 1 of 64, इनका टोटल करोगे तो कितना गया, 65 हो गया, तो इन दोनों का डिवाइड बाई 5 कर दो तो 13, एंड सेम चीज़ यहाँ पर 125 में 5 का डिवाइड कर दो, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या है, आप सभी को ऐड कर लो, कितना हो गया, 5 और 4 9, और 7 कितना हो गया, 16 एंड 24 5 25, 2 एंड 2 4, 4 एंड 6 10, 10 एंड 2 कितना हो गया, 12, तो 1, 1 एंड 1 2, तो 2 2 5 अपन 4 करोगे तो कितना आ गया, 5
5 4 4 5, ठीक है, 45 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मली मेथड से करोगे तो भी इजीली आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन और भी इजी है, जहाँ पर आपको क्यूबिक या आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए। 1681 का स्क्वायर रूट होता है कितना, 41। ओके, 41 प्लस के 8 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 49, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 7। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन भी इजी है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप माइनस के 13 माइनस के 12 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। 56 माइनस की 0 56, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया, 56। अब इसके बाद देखोगे तो ध्यान से, 30 माइनस के ब्रैकेट 40 माइनस के 56 बच गया। ओके, तो कितना हो गया, 30 माइनस के, और ये माइनस के क्या आ गया, 16। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस के कितना, 16, कितना हो गया, 46। इसका राइट आंसर क्या आ गया, 46। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि हमें क्या बताना है, हमें जो है समांतर माध्य बताना है। एक तरह से आप अर्थमेटिक मीन बोल सकते हो इसको आप, या फिर सिंपल सी टर्म में आप इसको एवरेज भी बोल सकते हो। इसका एवरेज बताने के लिए कोई ज़्यादा कोई हमें तीर कमान नहीं चलाने, सबको टोटल करके डिवाइड बाई 5 कर दो, क्योंकि टोटल नंबर 5 ही है। तो कितना हुआ, 3 और 7 10 हो गया, 10 एंड 10 20 हो गया, तो 0। देन 2 एंड 2 4 एंड 5, 5 एंड 2 कितना हो गया, 7 7 8, 8 एंड 2 कितना हो गया, 10। बाई 5 कर दोगे तो कितना आ गया इसका आंसर, 20 आ गया। इसमें आपको समझने वाला कोई बड़ा पॉइंट नहीं था, कि कुछ समझने के लिए आपको एक दो लेक्चर लेने की भी जरूरत नहीं थी। एवरेज हर बच्चा निकाल लेता है, आजकल गली गली में बच्चे एवरेज निकालते घूमते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं थी। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि 25 की वैल्यू चाहिए थी या 65 की वैल्यू चाहिए थी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाता, कॉस ए प्लस के बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी, ये होता है। अब आप कहोगे यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, ऐसा ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल सेम हो रहा है। कैसे, इसको आप ध्यान से देखोगे ना किसी क्वेश्चन को, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस के थीटा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस के थीटा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जब आप साइन 25 को ध्यान से देखोगे ना, तो साइन 25 आपको कॉस 65 नज़र आएगा इससे। तो कॉस 65, इसको एक क्वेश्चन को क्या लिख सकते हो, कॉस 65 इंटू कॉस 25 माइनस के साइन 65 इंटू साइन 25। तो यहाँ से बेसिकली ए की वैल्यू 65 और बी की वैल्यू 25 दिख रही है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि कॉस 65 प्लस के 25 इस इक्वेशन से। और जब ये क्या हो गया, कॉस 90 हो गया, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और कॉस 90 वैल्यू क्या होती है, 0। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज होता, तो 8,000 रुपीज़ की राशि पर 20% की दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होता। देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले टी और आर को पता होना जरूरी है। प्रिंसिपल तो सेम है, 8,000 रुपीज़, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। यहाँ पर आपको 20% दे रखा है और आपसे बोला है हमें हाफ ईयरली इसको संयोजित करना है। तो देखो, एक साल में आधे आधे साल के कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। और अगर एक साल में 20% ब्याज लगती है, तो आधे साल में कितनी लगेगी, 10% लगेगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती ना, तो इसको दूसरा तरीका करने का, आर टी रेशियो हमेशा, आर टी का मल्टीपल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात ध्यान रखना, कांस्टेंट रहेगा, जो कि कितना आ रहा है, 20 गुणा 1 20। अब यहाँ पर आप इसको देखो मल्टीप्लाई करके, तो भी कितना आएगा, 20। सिंपल सी बात है, बस ये क्वेश्चन हो गया। चक्रवर्ती ब्याज है, आप इजीली इसको कर सकते हो। 8,000 पर आप सबसे पहले 10% निकाल लो, कितना हो गया, 800। ये तो पहले साल का आ गया, अगेन आप निकाल लो कितना आ गया, 10% से। ये तो दूसरी साल का आ गया, कितना, 80 गुणा 2 गुणा 1 कितना आ गया, 1680 आपकी क्या आ गई, टोटल ब्याज आ गई। ठीक है, 1680 की आ गई आपकी टोटल ब्याज। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोलता कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर क्या है इन 2 सालों में, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को कट कर देते और सिंपल सा 80 रुपये क्या आता है, इसका आंसर आता। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 3 बिंदु हैं ए बी सी,
और उनसे पास होने वाला हमें सर्किल बताना है। देखो बहुत कॉमन सेंस की बात है, ए बी सी अगर तीन पॉइंट हैं तो उनसे पास होने वाले मैक्सिमम सर्किल की संख्या एक ही हो सकती है, क्योंकि अगर कोई सर्किल पास हो रहा है तो तीनों बिंदुओं से टच करे तो ऐसा एक ही सर्किल बन सकता है मैक्स। और मिनिमम कितने सर्किल हो सकते हैं, मैक्स बन सकता है एक, और मिनिमम कितने बन सकते हैं, मिनिमम बन सकते हैं जीरो। ठीक है, एक सर्किल को बार बार बनाओगे तो ऐसा नहीं है नंबर ऑफ सर्किल की संख्या बढ़ जाएगी, सेम सर्किल की, सर्किल एक ही रहेगा, सेम डायमेंशन सेम रेडियस का, लेकिन अब मिनिमम सर्किल की बात करें तो जीरो। अब यहाँ पर इसने बोला है कि ए बी जो है वो 9 है, बी सी जो आपको 11 दे रखा है और ए सी जो आपको 20 दे रखा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको ए बी कर देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसा कर ए सी कर देते हैं और ये बी कर देता हूँ मैं, तो क्वेश्चन को समझने में और अच्छा आसानी हो जाएगी। ए बी कितना दे रखा है, वो दे रखा है 9, ओके, बी सी आपको दे रखा है 11 और ये दे रखा है आपको 20। अब जब आप ध्यान से देखोगे ना तो इस क्वेश्चन में आपको पता लगेगा कि त्रिभुज बन ही नहीं सकता। कैसे? क्योंकि 20 की रेडियस, 20 की क्या लाइन है, जब मैं इस पे 9 का एक रखता हूँ, एक लाइन रखता हूँ, एक ब्लॉक बनाता हूँ और यहाँ से 11 का बनाने की कोशिश करता हूँ, तो जब ये मिलाएंगे ना तो ये यहाँ गिरेगी 9 पर और 11 वाली यहाँ पर गिरेगी, तो 11 टोटल कितनी हो जाएगी, ये 20। तो कम से कम इस त्रिभुज बनाने के लिए जो इन दोनों का टोटल है वो एटलीस्ट 20 से थोड़ा तो ज़्यादा हो ताकि मैं इसको टिका पाऊँ। जब मैं इसको टिकाने जाऊँगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इस पर ओवरलैप हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर मर्ज हो जाएगा यहीं कहीं, जब यहाँ पर मर्ज होगा तो डेफिनेटली ये ना तो त्रिभुज रहेगा ही नहीं, और त्रिभुज नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात, जो बनने वाली इसमें इस पर वृत्त बनाओगे आप तीनों पॉइंट से कनेक्टेड, वो कैसे होंगे, जीरो होंगे। सिंपल सी बात है, वृत्तों की संख्या ये और ये तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आप अगर आप देखो तीनों बिंदुओं को आपको कंसीडर करके चलना है तो इस कंसीडर करने के लिए आपको यहाँ पर त्रिभुज का बनना बहुत ज़रूरी है, और त्रिभुज तभी बनेगा जब उसकी ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का योग जो है वो इस वाली भुजा से ज़्यादा होगा, तभी त्रिभुज बन पाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में ये बोला है कि लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। देखो ये घन है, एक घन मैंने बनाया, यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में, बस एक आपका विजुलाइजेशन का खेल है और कुछ नहीं। अगर दिमाग में फिट बैठ गया कि किस तरह से इमेज बनेगी तो इस क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं जाएगा। ये 21 सेंटीमीटर का एक भुजा वाला घन है जिसकी साइड है इतनी 21 सेंटीमीटर, हर साइड 21 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पर आप जब एक घन बनाओ, एक क्या बनाओगे, एक गोला बनाओगे अंदर, एक बॉल रखिए अंदर, ठीक है, तो एक बॉल जब आप यहाँ पर बनाओगे तो आप देखोगे कि इस बॉल का कहीं ना कहीं टच यहाँ से होगा ऊपर वाले से और कहीं ना कहीं टच नीचे होगा, तो इसकी जो डाया होगी ना, जो इसकी डाया होगी वो 21 सेंटीमीटर के कहीं ना कहीं बराबर होगी, अगर हम सबसे बड़ा गोला बनाएं तो, जो सभी में टच करेगा, वो यहाँ पर भी टच करेगा इस वाले फलक पर और वो यहाँ पर भी टच करेगा, तो इनकी साइड की ये जो लेंथ होगी ना, ये डायामीटर होगी 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसने बोला सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन यानी स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, तो यहाँ पर पाई आपको 22/7 दे रखा है, आर क्यू कितना है, 21/2 × 21/2 × 21/2, तो सॉल्व कर लो, 7 × 3 = 21, 2 × 2 = 4 × 2 से अगन गया कितना, 11, 11 × 21 × 21 यानी 441 × 11 हमें करना है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1 1 × 4 = 5, 4 × 4 = 8 and 4, 4851 इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा है, देखिए क्वेश्चन आपके लिए भी, आप दोबारा कर पाओगे या नहीं, बट इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में करने लायक कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में तो आप आंख बंद करके भी आंसर टिक कर सकते थे। यहाँ पर पूछा था आपसे बहुलक यानी कि मोड, और मोड की सिंपल सी बात है, जो सबसे ज़्यादा है वही मोड है, लेकिन ये कैसा है, ये ना तो इंडिविजुअल सीरीज तो है नहीं जिसमें आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सको, इसमें आपको कैसा करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखो कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, वो इसकी है, तो जो आंसर लाई करेगा ना वो इसमें लाई करेगा 25 से 30 के बीच में, सिंपल सी बात है, 25 से 30 के बीच में जो इंटरवल होगा
उसके बीच में ही आंसर लाई करेगा, ना तो ये आ रहा ना ये आ रहा ना ये आ रहा, एक ही ऑप्शन है ये रहा, इसको करने की नीड ही नहीं है। तो इसमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में इतना इजी था करना कि आपको बस ये फाइंड आउट करना था कि मोड जो है वो, मोड का मतलब क्या होता है, जिसमें फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, और फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, इसमें है, इस वाले इंटरवल में, 25 से 30 वाले इंटरवल में। जब आपको ये पता लग गया ना, तो सिंपल से इसका आंसर एक ही है, 25 से 30 के बीच में 28.33 बन रहा है। बाकी आप सॉल्व करना चाहो तो कर लो उस लंबे वाले फॉर्मूले से। टोटल क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, टोटल क्वेश्चन इसमें 30 हैं। इस क्वेश्चन को आप करके देखना, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तरह से क्या चक्रवर्ती ब्याज की तरह काम करता है। 40 लीटर दूध रखा हुआ है पात्र में, और 4 लीटर दूध निकाल दिया जाता है, उतना ही पानी उसमें मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया में 2 बार की गई है, पात्र में अब कितना दूध बचेगा, ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना। जब मैं आप रीजनिंग का सॉल्यूशन बताऊंगा तब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, लेकिन ट्राई करना कि इस क्वेश्चन को आप कर पाते हो नहीं। सिंपल सा एक कमेंट बॉक्स में लिख दोगे कि यस आपसे हो गया तो वी इजी है। और अगर आप कोई नया मेथड देखना चाहते हो, आपको लगता है कि लॉन्ग मेथड हुआ है मेरा, एक मेरे को एक प्रॉपर मेथड नहीं आता, सिंपल सा मेथड समझाना है मुझे, तो वहाँ पर आप मेंशन कर देना कि मैंने लॉन्ग मेथड से किया है, सिंपल सा मेथड मुझे समझना है, तो मैं जब रीजनिंग के सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा।